बीए सेमेस्टर 3 हिंदी पेपर 3 मध्यकालीन हिंदी का, जिसमें हमने कबीरदास के रोगों का आगे के वीडियो में देखा है, उसमें 9-8 तक के रोगों को देखा है। अब 9वें नंबर के रोग से हम देखें तो 9वें नंबर का दोहा जो है उसमें परस्पर प्रेम भाव की बात कही है। तो देखिए हम दोहे को, जी कटी प्रीति न प्रेम रस पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजे भय बेकार। देखो कबीरदास कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम भाव नहीं है वो व्यक्ति संसार में आएगा तो भी उसका क्या काम है। अगर कोई व्यक्ति कोई दुखी दीन लाचार असहारा और बेबस है उस पर आप मदद नहीं कर सकते, उसको आप थोड़ी सी सांत्वना भी नहीं दे सकते। ये जरूरी नहीं कबीरदास ये नहीं कहते कि अपने पास रखी हुई धन संपत्ति आप दे दो, मात्र उसको सांत्वना ही दो तो ही आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, वही हो जाएगा। अगर आप उसको ना दे सके तो कोई बात नहीं, इसलिए एक कब संभव होगा कबीरदास कहते एक कब संभव होगा, जब आपके हृदय में प्रेम होगा तो ही। अगर आप प्रेम भाव नहीं रखेंगे तो इस संसार में आपका आना भी बेकार है। क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि कबीरदास जैसा अपना जीवन यापन करने के लिए कपड़ा बुनने का व्यवसाय करते थे, तो एक बार जो 7 महीने में एक बार कपड़ा बुनकर वो कपड़े के व्यापारी को भेज देते और व्यापारी उसको खरीद कर जो पैसे देता उनसे उनका जीवन यापन होता था। ठीक वैसे ही मैंने भर के कपड़े की गर्फी बनाकर सो गए कि सुबह में जाकर बाजार में दे दूंगा, और उसी रात कोई चोर आकर उस कपड़े की गर्फी को चुरा गया। कबीरदास के लिए थोड़ी चिंता हुई, चलो भगवान ने ही माना होगा, ऐसा मानकर वो सोचते हैं कि चलो बाजार में जाकर व्यापारी से कुछ पैसे लाऊंगा फिर उसको कपड़ा बुनकर दे दूंगा। यही सोचकर जब व्यापारी से वार्तालाप करने जाते हैं तब एक चोर जो वही उनके ही कपड़ों की गठरी लेकर बेचने आता है। कबीरदास वहां पर खड़े थे, चोर व्यापारी से कहता है मेरा कपड़ा अच्छा है खरीद लो। व्यापारी कहता है कि नहीं मैं उसको कैसे मान लूं कपड़ा अच्छा है तुम्हारा, तुम तो कभी पहले बेचने आए नहीं, कहां से आए किसने बनाया। तब कबीरदास को कपड़ा देखकर तुरंत पहचान गए कि ये तो मेरे ही बनाए हुए कपड़ों की गठरी है। कुछ नहीं बोला, व्यापारी से ऊपर से देखा कि तुम ये कपड़ा खरीद लो बहुत ही महीन और अच्छा है। व्यापारी को लगा कि ऐसा कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ तुम उसके कपड़े को खरीद लो। तो व्यापारी ने तो जब पूछा गया चोर को भी अच्छा लगा उनको कैसे पता अच्छा है, तब व्यापारी को भी अच्छा लगा, तब ने पूछा कि आपको पता कैसे, तब उन्होंने कहा कि कपड़ा मेरा ही बुना हुआ है। तो कि वो तो ये नहीं करा, तो कहते हैं कि वो कहता है हाँ, तब चोर को नहीं रहा गया था हाँ मैंने रात को चोरी की। तब कबीरदास उस पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, कोई भी उसको सजा नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हें जरूरत होगी तब तुम्हें चोरी की होगी। उनकी इन दया भावना को देखकर वो चोर भी अपनी चोरी की वृत्ति छोड़कर उनके पैरों में गिरकर उनका भक्त बन जाता। तो मित्रों यहाँ पर जो कबीरदास कहने का मतलब कि चोरी की वृत्ति को प्राधान्य देना नहीं है मित्रों, पर उनके हृदय में दया से उन्होंने यही सोचा कि उसने चोरी क्यों की होगी जब उसको लगा होगा कि अनिवार्य है कर्तव्य होगी। तो उनको यही भावना से एक चोर ने भी अपनी चोरी की वृत्ति को छोड़कर अब अच्छा अच्छी जिंदगी शुरू कर दी। तो यही बात जो कबीरदास कहना चाहते हैं कि जीवन में प्रेम हृदय में रखो तो ही आप इस संसार में आओगे, तो लोगों की सफलता करोगे, लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाओगे। ठीक है, वैसे ही जो 10वें नंबर के दोहे में कबीरदास ने बताया है कि परमात्मा का स्मरण करो, मनुष्य मात्र की इच्छा होती है। किस प्रकार से कहते हैं कि स्वार्थ की वृत्ति भी उसमें बताया हमने, लूटी सके तो लूटिया राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा हृदय दसो द्वार। कबीरदास कह गए कि मनुष्य तुम संसार में आए तो परमात्मा का नाम स्मरण कर दो, कुछ अच्छे कार्य कर दो तो ही, क्योंकि राम नाम कहने परमात्मा की तो कृपा अक्षय निधि है, अपार है, इतना भंडार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर काल कंठ यानी कि जब तुम्हारा मृत्यु का समय निकट आएगा तुम्हारे दसों द्वार शरीर की सभी इंद्रियां शरीर के सभी रास्ते काम करने बंद हो जाएंगे, तब तुम चाहोगे परमात्मा का स्मरण कर लो, तब कैसे संभव होगा, तब तो तुम्हारी जिंदगी
तुम्हारे पास कोई निश्चित है तो तुम इतने दिन जियोगे। आजकल हम व्यवहार में देखते हैं कि जब आरंभ में व्यक्ति अगर जवानी में पूजा अर्चना करता है तो लोग यही कहते हैं अभी से पूजा करते हो, ये तो बुढ़ापे में करने की जरूरत है। तो क्या आपके लिए निश्चित है कितना जिएंगे, आप कैसे ये सोचते हैं? तो कबीरदास यही कहना चाहते हैं, इसके का मतलब मित्रों नाम लेने के साथ साथ आपको परमात्मा के दिए हुए पुण्य के काम, अच्छाई के काम, किसी के भलाई के काम आरंभ से ही करने हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं करना है कि चलो जीवन के कुछ मोड़ पर आकर इतनी कमाई बेईमानी से कर लो फिर इसके बाद उसी कमाई को पुण्य में खर्च करें, ये नहीं करना है मित्रों। इसलिए परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा के रास्ते पर चलना यही जीवन का आधार है, यही करने का बात कबीरदास इस 10वें नंबर के दोहे में समझाते हैं। अब जो 11 नंबर के दोहे में जो उसने बताया है कि सांसारिक बाधाएं कैसी होती है, इस बात को समझाया है कि लंबा मार्ग दूरीगत विकट पंथ पर हुआ कहो संतो क्या पाए दुर्लभ हरी दीना। देखो कबीरदास का है कि मनुष्य जीवन में आता है उसके पास कोई निश्चितता नहीं होती कि संसार में जन्म लेने के बाद उसके पास एक न एक दुविधाएं, एक न एक मुसीबतें चलती रहती, क्योंकि संसार का मार्ग कैसा है बहुत ही लंबा और विकट मुसीबतों से भरा हुआ है, पंत बहुबार उस पर बहुत सी मुसीबतें आ रही है। और अगर ऐसे में तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा को देखने हैं, वो बहुत ही दुर्लभ बात है। तो संतो कहने का मतलब परमात्मा का देख लेने से काम नहीं होगा, अगर तुम ऐसे अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होगा, तुम्हें सामान्य मनुष्य में भी परमात्मा दिखाई देगा अगर तुम्हारे अंदर ऐसी बल मनसी दृष्टि होगी। अगर तुम यही सोचोगे वो संसार में कितनी मुसीबतें हैं, कितनी बाधाओं को मुझे पार करना है, उस पर परमात्मा को कैसे आए नहीं मिलो, जीवन जीने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर आप उसका नाम स्मरण कर लो। नाम स्मरण करने मात्र से ही आपके अंदर आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, तो आप किसी की मदद करोगे तो ऐसे मुसीबत के समय में भी आपको सफलता मिलेगी और आपको परमात्मा की वर्षा का संकलन का भाग होगा। क्योंकि मनुष्य मानेगा कि सांसारिक बाधाएं है वो तो रहेंगी पर इन सबको छोड़कर आगे कार्य करना है। तो आगे के जो 12वें नंबर के दोहे में उनके पद जो वीरा के शुरू होते हैं कबीरदास का वीरा का महात्मा ये उनका लंबा प्रश्न भी आपको आएगा। तो वीरा के पद है परमात्मा और आत्मा के बीच वीरा की अनुभूति, इसका उदाहरण उन्होंने पक्षी के जरिए दिया है चकवा और चकवी नाम। तो देखिये 12वें नंबर के दोहे में चकई बिछुरी रैन की आई मिली पर खाती जे दिन बिछुड़े राम सो ते दिन मिले ना राम। देखो कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा से अगर आप एक बार बिछड़ जाए तो कभी नहीं मिल सकते। मित्रों कहने का मतलब ये नहीं कि परमात्मा आपके सामने आ गया और आप उसका नहीं मिला, नहीं, आप जीवन में ऐसे अच्छे कार्य करो कि परमात्मा कभी ना रुके। सामान्य रूप से व्यवहार में हम कहते हैं कि मनुष्य रुकेगा तो चलेगा, परमात्मा नहीं रुकना चाहिए। इसका उदाहरण वर्तमान में आप देख सकते हैं मित्रों, हम ये नहीं कहना चाहते कि कोरोना जैसी महामारी शायद कभी भूकंप कभी ज्यादा बारिश ये सब एक तरह से देखो तो परमात्मा का विद्युत होती है। तो कहने का मतलब कबीरदास इसी दोहे में ही कहना चाहता है कि चकवा और चकवी पक्षी दोनों के भीतर अंतित प्रेम होता है, पर उन दोनों में ऐसा है कि रात्रि के समय दोनों के दोनों बिछड़ जाते हैं, एक नदी के एक किनारे की ओर रहता है दूसरा नदी के दूसरे किनारे की ओर चला जाता है। और जैसे ही पूरी रात दोनों इंतजार में रहते हैं चकवा चकनी का इंतजार करता है, चकनी चकवा का इंतजार करता है कि कब सुबह होगी हम उनको मिलेंगे, कब सुबह होगी हम दूसरे को मिलेंगे। इसी उनकी धारणा के मुताबिक कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि वो तो पूरी रात गिरह में रहकर भी सुबह तो मिल जाते हैं, पर अगर तुम्हारे कार्य अच्छे नहीं होगी तो तुम परमात्मा से एक बार बिछड़ जाओगे तो फिर से मिलेंगे नहीं। तो अपने कार्यों के जरिए परमात्मा की ओर ध्यान लगाकर सांसारिक बाधाओं से हटकर परमात्मा की ओर ध्यान लगाकर उसकी भक्ति करो तो ही तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। ये 12 नंबर का दोहे का भावार्थ है। तो मित्र आगे के दोहों का भावार्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे।